हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्यू एन ए वीडियो। गाइस, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हरीश यादव पूछ रहे हैं, सर अगर एक सब्जेक्ट में मेरा नेम पहले लिस्ट में आता है और मैं उसमें एडमिशन ले लिया, फिर अगर दूसरे सब्जेक्ट में मेरा नाम आया तो मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूँ क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है सभी कोर्सेज का एक साथ आएगा, ठीक है। सभी जितने भी यूजी के कोर्सेज हैं सभी का मेरिट लिस्ट एक साथ आएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि आपने कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपके कौन कौन से कोर्स में आपका सिलेक्शन हो गया है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोर्सेज जिसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है उसका सीट जो है वैकेंट हो जाएगा, जिसको सेकेंड मेरिट लिस्ट के थ्रू फिलअप किया जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, ऐसा कोई कंडीशन नहीं आने वाला, क्योंकि आगे पीछे आप लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है, आप लोगों का मेरिट लिस्ट एक साथ सभी का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, ओम प्रकाश साहू पूछ रहे हैं, सर लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था या परसेंट के बेसिस पर एडमिशन हुआ था? लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ था, लास्ट ईयर जो है परसेंटेज के बेसिस पे सभी का, यूजी और पीजी दोनों का एडमिशन जो है उनके परसेंटेज के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस, प्राची चौहान पूछ रहे हैं, सर हम कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और आईजेंट्यू का भी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो अगर हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना एडमिशन जो है अपने कॉलेज से कैंसिल करवाना होगा, साथ में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को लेना होगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आईजेंट्यू में ऑनलाइन एडमिशन करना है और फीस पेड करना है। उसके बाद आप लोगों का एडमिशन यहाँ हो जाएगा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, उसके बाद आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, अमितेश जसवाल पूछ रहे हैं, सर मेरा नॉट सिलेक्टेड एज पर मेरिट लिस्ट बता रहा है, आई एम यूजी स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम प्लीज। देखिए गाइस, अभी तक यूजी वालों का मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद भी अगर ऐसा ही शो होता है नॉट सिलेक्टेड एज पर करंट मेरिट लिस्ट, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का हेल्प जरूर करूंगा। और जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा और ऐसा ही शो होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ओके। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर फाइव गाइस, सीरीन पूछ रहे हैं, सर मैं यूजी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, क्या ये फॉर्म मुझे फिल करना है ना? इफ यस देन व्हाट शुड बी डेट ऑफ अराइवल एज एग्जाम आर ऑनलाइन इन जनवरी। देखिए गाइस, अगर आप थर्ड सेम के स्टूडेंट हो तो आप जो है हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन हॉस्टल के लिए जो ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म है वो आप लोगों को नहीं भरना है। और अगर आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में है तो आप लोगों को एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, ठीक है। और आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही रहेगा और आपको अपने घर में बैठ के अपना एग्जाम देना है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, आप लोगों को हॉस्टल ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।